हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से डोरा केक बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंस्टेंट ऐसे तरीके से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट ऐसे डोरा केक की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत आसानी फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब भी बच्चे कहेंगे आप ये इस तरह से डोरा केक बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, इतने टेस्टी भी होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डोरा केक किस तरह से बनाते हैं, उसकी फुल डिटेल वीडियो। ये 10 रुपए वाले जो बिस्किट्स होते हैं वो लिए हैं, इनमें से हमें क्रीम अलग कर लेना है और बिस्किट्स अलग कर लेने हैं, तो वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बिस्किट्स अलग कर लिए हैं और क्रीम अलग कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि सभी जो बिस्किट्स है वो इस तरह से व्हाइट क्रीम वाले ही हो, तो उससे ये जो डोरा केक ये में भी इतने सुंदर दिखेगी कि बच्चे देखते ही ये खाने के लिए मांगेंगे। तो मेरे पास ये 3 कलर के थे, ये उसका ये क्रीम निकाल लिया है, ये हम साइड में रख देंगे। और ये जो हमने बिस्किट्स निकाले हैं इन्हें हम मिक्सी जार में अच्छे से फाइन ऐसी सी इसकी पाउडर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बिस्किट्स जो है अच्छे से पीस लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी फाइन ऐसी पाउडर बना लेनी है। अब हम ये चूरा जो है वो एक बाउल में निकाल देंगे और एक साइड मैंने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम में लो कर दूंगी। तो सबसे पहले हम डोरा केक जो बनाने वाले हैं इसके लिए बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, यानी कि मैंने ये दूध जो इसे उबाल कर ठंडा कर लिया है। तो नॉर्मल ही दूध लेना है हमें, फ्रिज का ठंडा वाला दूध नहीं लेना है। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसका एक बैटर बना लेना है, जिस तरह से हम पैनकेक के लिए बनाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है और इसके लिए मैंने ये 1 स्पून जो है वो लिया है। 1 स्पून से ही अगर हम नाप कर ये डोरा केक बनाएंगे, 1 स्कूप डालकर ही, तो सभी केक जो है वो एक जैसे ही बनेगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। तो ये स्कूप ले लिया है मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अच्छे से खोलता हुआ पानी लिया है और ये जो क्रीम वाला बाउल है हम ये इसमें रख देंगे। तो पानी बिल्कुल ऊपर तक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नीचे तक ही पानी है, तो मैंने ये अच्छे से रख दिया है। अब हम इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो क्रीम है ये भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम ये भी साइड में रख देंगे और पैनकेक बना लेंगे। ऐसा ऑन कर दिया है और पैन चढ़ा दी है, पैन अच्छे से गर्म हो जाएगी। हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। बना लिया है उसका 1 स्कूप डाल देंगे और उसे हमें कुछ नहीं करना है, बस डाल देना है, वो अपने आप से फैल जाता है। और 1 मिनट तक हमें एक साइड से अच्छे से पकने देना है, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मैंने ये एक साइड से अच्छे से पका लिया है। अब हम दूसरी साइड से डालेंगे और 1 मिनट तक इस साइड से भी हमें ये अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही पका लेना है अच्छे से। और इसी तरह से मैं ये सभी डोरा केक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी जो डोरा केक है वो बना लिए हैं और बहुत ही बढ़िया ऐसी ये डोरा केक बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद हम इस पर क्रीम लगाकर ये एक के ऊपर एक रख लेंगे। यहाँ पर ये डोरा केक अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इस पर क्रीम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें क्रीम लगा लेनी है। अंदर रखनी है और इस तरह से साइड से ये डोरा केक हम बना देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ऐसे इंस्टेंट ये डोरा केक बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे डोरा केक बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ऐसे इंस्टेंट ये डोरा केक बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ।
ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से आप भी कीजिए अपने घर पर ये डोरा केक, और आपके अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।